मनुष्य है ना हम, भय तो लगेगा ही। भय धन हानि का हो या मान हानि का, आप भय को बुरा समझते हैं ना। भय हानिकारक हो सकता है परंतु लाभदायक भी। सोचिए, किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय क्या आपको वो कार्य करने से रोक नहीं लेता? रोकता है, परंतु अनुचित कार्य हो जाने के पश्चात उसे संसार के समक्ष ना लाने देने का भय हमें एक के पश्चात दूसरी भूल करने पर विवश करता है। प्रयास करके हम अपना सम्मान बचा अवश्य लेते हैं, परंतु भविष्य में इसके परिणाम भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम को जानना जितना आवश्यक होता है, उतना ही आवश्यक होता है कोई भूल हो जाने के पश्चात उसे तुरंत स्वीकार कर लेना।